प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज बातें करेंगे द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। अशोक आंदोलन का स्थगित कर दिए जाने के पश्चात देश की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति थी, वो कई डायमेंशन में बढ़ जाता है। एक डायमेंशन तो वामपंथी आंदोलनों का हो जाता है, एक डायमेंशन चला जाता है और कांग्रेस के विभाजन का, चेंजर नो चेंजर में चला जाता है, और तीसरा जो विभाजन होता है, तीसरा जो स्वतंत्रता संघर्ष की स्थिति बनती है, और वो बनती है द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन की स्थिति। क्योंकि इस समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाने के कारण युवाओं का मोह भंग हो जाता है। प्रत्येक युवा जो क्रांतिकारी गतिविधियों का रास्ता छोड़कर महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़ा रहता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि अब हमें फिर क्रांति का रास्ता अपनाना होगा, बम पिस्टल का राजनीति करना होगा, बिना बम पिस्टल के हम इस देश को आज़ाद नहीं कर सकते हैं, इस देश को स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं। इसी कारण युवाओं के द्वारा अब इस समय क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ा दी जाती हैं। आखिर इन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है, तो मनी आएगा कहाँ से? कहाँ से बम पिस्टल खरीदे जाएंगे, कहाँ से अन्य कार्य किए जाएंगे? इसलिए ये क्रांतिकारी इस समय जो अंग्रेज हैं उनके घरों में, जो अफसर हैं उनके घरों में डकैतियाँ डालते हैं, वहाँ से धन इकट्ठा करते हैं, और धन इकट्ठा करने के पश्चात बम पिस्टल गोला बारूद की व्यवस्था करते हैं ताकि देश को आज़ाद किया जा सके, देश को स्वतंत्रता दिलाया जा सके। ऐसे ही सिचुएशन में देखा जाए तो जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल में युगांतर और अनुशीलन जैसी समितियां कार्य करती हैं, जो क्रांतिकारी संगठन कार्य करते हैं, फिर सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इसी समय HARA नामक एक नवीन संगठन की स्थापना होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना, HARA की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में होती है। कई बार पूछा जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे होती है, कानपुर में होती है, कब होती है, 1924 में होती है, संस्थापक कौन है? सचिन सन्याल हैं और उनके सहयोगी हैं योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल भी इसके सहयोगी हैं। इसमें देखा जाए तो कानपुर में देश के पुराने नए जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सब एकत्र होते हैं। यहीं पर पहुंचते हैं भगत सिंह, यहीं पर पहुंचते हैं शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी सब कानपुर में इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के पश्चात उनकी रणनीति यही बनती है कि अब हमें बिना बम पिस्टल के, बंदूक के हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें आज़ादी हासिल करने के लिए, हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए बम पिस्टल को उठाना ही होगा। इसी समय देखा जाए तो भगवती चरण बोहरा, उनकी पत्नी दुर्गावती एक तरह से पंजाब में युवाओं को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे देखा जाए तो भगवती चरण बोहरा एक पुस्तक भी लिखते हैं, फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन, यानी कि कैसे बम बनाया जाएगा, बम कैसे इस समाज पे प्रभाव डालेगा, इस अंग्रेजों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर देगा, इसके लिए फिलॉसफी ऑफ बम लिखने का काम कौन करते हैं? भगवती चरण बोहरा करते हैं। भगवती चरण बोहरा करते हैं। आगे हम बातें करें तो इस युवाओं के द्वारा प्लानिंग की जाती है कि एक मोटी रकम हासिल कैसे किया जा सकता है, और यहीं पर रणनीति बनती है जो इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड, काकोरी एक रेलवे स्टेशन है जो लखनऊ और सहारनपुर के रेलखंड पर स्थित है। इसी रेलवे स्टेशन पर सूचना मिली 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन से शाही खजाना लाद के
सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर जा रहा है, सहारनपुर से दिल्ली चला जाएगा। इसी कारण इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को इस शाही खजाने को लूटने की योजना बनाई और इसे सफलतापूर्वक काकोरी रेलवे स्टेशन पे लूट लिया गया। उस लूट कांड में देखा जाए तो रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, यशपाल, राजन लाड़ी, अशफाकुल्ला खां, ये तमाम, रोशन लाल, तमाम क्रांतिकारी शामिल हुए। घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, शाही खजाना लूट लिया गया, लेकिन घेराबंदी शुरू हो गई और 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और उस कांड को ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और एक तरह से क्रांतिकारियों को लगभग फंसाने का काम किया ताकि देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं उसका खात्मा किया जा सके। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो 1927 में कोर्ट का फैसला आया। हालांकि भारत में तमाम वकीलों ने इसके लिए एक बचाव पक्ष नियुक्त किया, इसको काकोरी षड्यंत्र कांड में फंसे हुए युवाओं को बचाने के लिए मुकदमा लड़ा। 12 वकीलों की यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से पैनल बना और उन लोगों के द्वारा देखा जाए तो इनको डिफेंस करने का, इन्हें बचाव करने का प्रयास किया गया, लेकिन सब कुछ असफल रहा। और 1927 में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब ये 4 क्रांतिकारी कौन कौन से थे, किस किस जेल में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देखा जाए तो पहले क्रांतिकारी हैं रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित बिस्मिल, शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, रामप्रसाद द्विवेदी, जो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, उन्होंने बिस्मिल जोड़ा और उन्हें गोरखपुर के सेंट्रल जेल में बंद किया गया। गोरखपुर के जेल में बंद किया गया था और गोरखपुर के जेल में उन्हें फांसी की सज़ा 1927 में दी गई थी। यहाँ पर पीसीए 2014 एक सवाल पूछा और जिस सवाल में पूछा था कि किस क्रांतिकारी ने अपनी अंतिम इच्छा में माँ के दूध को मांगा था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है रामप्रसाद बिस्मिल की जब मौत की सज़ा सुना दी गई, फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, डिक्लेयर हो गया था, उनसे अंग्रेज़ों ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या। वो अपने माँ से बहुत लगाव रखते थे और उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हमें माँ से मिलना है। उनकी माँ शाहजहाँपुर से गोरखपुर पहुँची और गोरखपुर पहुँचने के पश्चात जब माँ ने जेल के अंदर एंट्री किया तो माँ को देखने के पश्चात रामप्रसाद बिस्मिल भावुक हो गए, इतना भावुक हो गए कि रोने लगे। जब रोने लगे तो माँ ने अपने आँचल को ढकते हुए ये कहा कि बेटा, तुमने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। आज कोई भी माँ इस क्रांतिकारी आंदोलन में अपने बेटे को नहीं भेजेगी, इसलिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाओ। और इस तरह देखा जाए तो यहीं से क्वेश्चन 2014 में बनाया गया था उपी कमीशन। तो रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सज़ा दी गई। यहाँ पे समीक्षा अधिकारी, लोअर और पीसीएस तीनों में एक प्रश्न बन चुका है और ये बन चुका है कि रिकार्डो में पहले मुस्लिम जो फांसी की सज़ा पाए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, वो कौन थे, तो उसका एक लाइन में आंसर है अशफाकुल्ला खां। रोशन लाल को नैनी प्रयागराज में फांसी की सज़ा दी गई और राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सज़ा दी गई। ये चारों क्रांतिकारियों के मिलान करने के लिए आते हैं। कहाँ पे, कभी कभी इंडिविजुअल पूछ दिया जाता है कि किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा कहाँ पे दी गई थी। यहीं तक। अब यहाँ पे एक तरह से बहुत एक स्वतंत्रता का मोड़ था जहाँ पे लगभग क्रांतिकारियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में देखा जाए तो 1928 में पुनः चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के कोटला फिरोज शाह में बैठक किया
और बैठक करने के पश्चात वहाँ पर उन्होंने पुनः एक नए पार्टी के नाम से क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा किया। कई बार ये पूछा जाता है कंपटीशनों में कि वो कि कौन सा HSRA का गठन कब किया गया था, जो HRA था उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम दे दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और उसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने कहाँ पर किया, ये 10 सितंबर 1928 को 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित किया। और किसने स्थापना किया था ये भी पूछा जाता है, तो इसका एक लाइन में आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। आगे हम बातें करें तो इसे क्रांतिकारी संगठन जैसे नए सिरे से स्थापित हुआ, उसका पहला जो घटना था, क्रांतिकारी एक गतिविधियां थी, वो था सैंडर्स की हत्या। लाहौर का पुलिस कमिश्नर सैंडर्स एक कुख्यात नोटेरियस व्यक्ति था, जो इसलिए जाना जाता था कि उसके बंदूक केवल हिंदुस्तानियों को निशाना बनाता था। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो उसने जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन के विरोध में उसने लाठीचार्ज किया और पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय को घायल कर दिया। लाला लाजपत राय उसके लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। मरते मरते लाला लाजपत राय ने एक शब्द भी कहा कि मेरे पीठ पर पड़े हुए एक एक जख्म के निशान अंग्रेजों के लिए किल नुमा ताबूत साबित होंगे जो मरने के बाद भी चुभते रहेंगे। यहाँ पर हम बातें करें तो उस बदनाम अंग्रेज अधिकारी को, जिस जो युवाओं के चहेता थे, आदर्श थे लाला लाजपत राय, उनको मारने के कारण उनका बदला लेने का फैसला किया। और उसी के प्रतिरोध स्वरूप 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के रेलवे स्टेशन के सामने गोलियों से भून दिया गया और उसको मारने का काम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने किया। और इसी के तहत देखा जाए तो यहाँ पे अब पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे लग गई। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबको देखा जाए तो छुपना पड़ा और छुप छुप के रहना पड़ा। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो निर्दोष पब्लिक को अंग्रेज उठाते थे, पुलिस उठाती थी, उन्हें मारती थी और ये कहती थी बताओ तुम ही चंद्रशेखर आज़ाद हो, तुम ही भगत सिंह हो, तुम ही सुखदेव हो, तुम ही राजगुरु हो। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे लोगों को सताया जाने लगा। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो इन क्रांतिकारियों ने गिरफ्तारी देने का फैसला किया और गिरफ्तारी देने के लिए ये दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल और अन्य मुद्दों पे बहस चल रही थी, उसी समय इन लोगों ने बम फेंकने का काम किया और उसी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। यहाँ पे देखा जाए तो किन दो लोगों ने बम फेंका था, नाम पूछा जाता है तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका और बम फेंकने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी हो जाने के पश्चात ये जेल में पहुँचे, लेकिन इनके साथ भेदभाव होने लगा। इन्हें राजनीतिक पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा नहीं दिया गया, इन्हें अपराधी मान लिया गया, इन्हें आतंकवादी मान लिया गया और इस तरह इनके साथ एक अंग्रेज बुरा बर्ताव करने लगे, खराब भोजन देना, उसमें भेदभाव करना, जिसके कारण ये लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए कि हमें राजनीतिक बंदी माना जाए। और ऐसे राजनीतिक बंदी माने जाने के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठे और ऐसे स्थिति में देखा जाए तो 64 दिनों तक बंगाल का एक क्रांतिकारी युवक जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल से ही उसकी मृत्यु हो गई, अंग्रेजों के जू तक नहीं रहेंगे। और ऐसे सिचुएशन में देखा जाए उसका पार्थिव शरीर जब पेशावर से कलकत्ता दमदम लाया गया तो पूरा एक जनसैलाब उमड़ पड़ा कलकत्ता में और उससे देशभक्त के विदाई के लिए 3 लाख से अधिक पब्लिक उसके शव यात्रा में निकल पड़ी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो देश में
कांग्रेस फिर जागृत हो गई। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सिविल नाफरमानी, सिविल डिओबीडेंस मूवमेंट, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। लेकिन ये क्रांतिकारी उसमें घुल मिल नहीं पाए क्योंकि मैक्सिमम जेल में चले गए थे। और 1923 मार्च 1931 में देखा जाए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, क्योंकि 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिस समझौते में आरोप लगाया जाता है कि महात्मा गांधी ने इन क्रांतिकारियों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके पहले देखा जाए तो 1931 में यशपाल, सुरेंद्र पांडे और भगत सिंह फरवरी महीने में इलाहाबाद पहुँचे, दिल्ली से ट्रेन से इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है, उसमें वे बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। उस समय सुखदेव राज भी मौजूद थे और उस समय चंद्रशेखर आज़ाद यशपाल को रूस भेजना चाहते थे ताकि वहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके, देश को आज़ाद कराने में रूस की सहयोग लिया जा सके। इसके लिए वो भेजना चाहते थे, लेकिन तब तक मुखबिरी हुई और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राज को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया और घेर ले जाने के पश्चात उन्हें गोलियों से छलनी किया गया। लेकिन अंतिम समय तक जब देखा कि एक गोली है, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को शूट आउट किया, आत्महत्या किया और एक तरह से ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेज जीते जी पकड़ नहीं पाए। तमाम मुकदमों के अभियुक्त थे, तमाम षड्यंत्रों कांडों के अभियुक्त थे, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा पुलिस नहीं पकड़ पाई। उनके साथ शहीद सुखदेव राज भी हुए, यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, सुरेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक तरह से देखा जाए तो लगभग इस घटना ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का काम किया। लेकिन फिर भी छिटपुट क्रांतिकारी घटनाएं बंगाल, पंजाब इत्यादि में होती रही। छात्र छात्राओं के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां को अंजाम दिया गया। पंजाब में दीक्षांत समारोह में 1930 में हरकिशन ने पंजाब के गवर्नर पर दीक्षांत समारोह में डिग्री लेते हुए गोली मार दिया। वहीं पर देखा जाए तो कोमिला हाई स्कूल की दो छात्रा सुनीति चौधरी और शांति घोष ने वहाँ कलकत्ता के डीएम को गोली मारने का काम किया। बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने वहाँ के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गोली मार दिया। इस तरह देखा जाए तो ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती रहीं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।